तो अगर सच्ची उम्मीद लगानी है, किसी को खुश करना है, तो इसको करो। तो जीवन में ऐसे कुछ काम करिए कि ऊपर जाकर आंख मिलाने लायक रहे कि हमने अच्छे काम किए, हमने जीवन व्यर्थ नहीं किया अपना। भले उतने ही थोड़े ही करिए, पर करिए, जरूर करिए। और आपको करता देख क्या पता बच्चों में भी वो संस्कार आए, वरना धीरे 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 सब खत्म होता जाएगा। जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे वो अभी नहीं होता, आप जो नहीं करेंगे वो आगे भी नहीं हो। तो आपको जो करता देखेंगे वो बच्चे करेंगे, आपको ही करता नहीं देखेंगे तो कहां से करेंगे। अधिकतर समय आजकल हम बच्चों के लिए कहते हैं कि भगवान पर रुचि नहीं है, ये नहीं जानते, वो नहीं जानते। उनके अंदर जिज्ञासा है, वो प्रश्न करते हैं, पर प्रश्नों का उत्तर माँ बाप को ही नहीं पता। उनके घर में उनके माँ बाप को ही नहीं पता कि भगवान ने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा क्यों किया। अब वो क्या करे, अब वो बाहर जाकर पूछेगा। बाहर उसे कुछ भी उत्तर मिल रहा है, कुछ भी, बस वो उसी की धारणा लेकर आगे बढ़ता है। उसकी रुचि कहां से रहेगी। इसीलिए आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपके बच्चे करेंगे, और उसकी भी गारंटी नहीं है, वो शायद वाली बात है, पर कम से कम इतना तो करें। तो इसीलिए आपको अच्छा कर्म करते देख आपके बच्चे भी करेंगे, चाहे वो दान है, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो अच्छे कर्म है, ये सब आपसे ही शुरू होगा। मैं हमेशा कहती हूं कि बच्चे पैदा करना ये एक कला है, क्योंकि आपको लग रहा है सिर्फ आपके बच्चे हैं, पर असल में ये आगे का भविष्य है। आप भविष्य तैयार कर रहे हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हर घर का एक बच्चा आगे जाके भविष्य का हिस्सा बन रहा है, आगे की पीढ़ी बन रही है। वो जैसे होंगे देश वैसा होगा, समाज वैसा होगा। तो ये मत सोचकर बच्चों को पालिए कि हमारे घर के बच्चे, हमारे घर के बच्चे। आप सिर्फ आपके घर के बच्चे नहीं है ये। अगर समाज अच्छा करना है, देश अच्छा करना है, भगवान में रुचि लानी है, तो वो आपको करना पड़ेगा। आज जब आप अपने सामने सबका सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं, गणेश ताऊ जी, आज उन्होंने जो संस्कार दिए, वो संस्कार आज श्याम मंडल के जो बच्चे हैं, हम सब कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनको अंत तक करते देखा, वो अंत तक। तो आपको वो जो करता देखते हैं वो वही करते हैं, याद रखिए। कई बार हमें लगता है बच्चे क्या समझते हैं, और वो सब देख रहा है, वो सब समझ रहा है। एक बार एक पिता अपने छोटे से लड़के को गोद में लेकर बैठे हैं और उसको बड़ी अच्छी सीख दे रहे हैं कि बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। क्यों? क्योंकि भगवान देखते हैं, भगवान दंड देते हैं। बड़े अच्छे से उसको समझा दिया। अब गांव में शायद कोई किल्लत आई, भोजन इत्यादि नहीं मिल रहा है, तो वो बेटे के साथ दूसरे गाँव गया। उसको एक खेत दिखता है, उसमें अनाज है, तो उसने बेटे से कहा तुम दूर खड़े रहो, मैं थोड़ा अनाज उठा रहा हूँ, कोई आए तो कोई देखे मुझे आवाज दे देना। अब वो जैसे ही अनाज को हाथ लगाने जाता है कि बेटा जोर से चिल्लाता है रुक जाइए, तो उसने कहा क्यों, किसी ने देखा क्या? बोले हाँ। बोले किसने? बोले भगवान। अब ये बच्चा समझ गया, हर बच्चा तो इतना समझदार नहीं है, वो कहेगा कि मतलब ये जो पहले समझा रहे थे वो झूठी बात थी, अगर ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, मतलब कोई गलत बात नहीं है उसको करने में। आपकी छोटी से छोटी चीज भी वो बच्चा देख रहा है कि मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझ कर, आजकल के बच्चे तो ज्यादा ही होशियार हैं, वो तो हर चीज देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, और वो हर चीज को ग्रहण करेंगे।
और एक बात याद रखिए, वो हर चीज को ग्रहण करें के मतलब होता है बुरी चीज को ज्यादा जल्दी ग्रहण करें, अच्छी चीज को ग्रहण करने में समय लगता है, तो वो आपको बार बार करना पड़ता है। बुरी चीज बड़ी जल्दी व्यक्ति के अंदर चली जाती है। मीठे रस से भरियोड़ी, मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मने खारो खारो जमना जीरो पानी लागे। ब्रज धाम